नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ मोनालिसा विचार विमर्श कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे श्रीअन्न यानी मोटे अनाज यानी कदन की जी हाँ ये वो शब्द है जिन्हें पिछले कुछ सालों में आपने लगातार सुना होगा लेकिन आपको बता दें कि अगर इसका इतिहास हम खंगालने जाए तो इनका इतिहास हमें तीन हजार ईसा पूर्व से भी पहले के मिलते हैं यानी कि ये पहले कभी हमारे भोजन का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन हरित क्रांति के बाद से जैसे ही धान गेहूं का प्रचलन बढ़ा यह हमारी थाली से गायब होते चले गए लेकिन अब इसकी उपयोगिता को लोगों ने पहचाना है और ऐसे में सरकार की ओर से खास तौर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि जन जन तक इसकी उपयोगिता की बात पहुंचे चाहे बात किसानों के लिए हो हम इंसानों की बात करें स्वास्थ्य की बात करें पर्यावरण की बात करें, तो इन मोटे अनाजों की बहुत ही उपयोगिता है और इसे देखते हुए अब कई तरह के स्टार्टअप्स भी शुरू होने लगे हैं जो खास तौर पर मिलेट्स यानी कि कदम से जुड़े हुए हैं यानी कि इसमें अब आमदनी की असीम संभावनाएं भी सामने आने लगी है तो ऐसे में इन श्री अन्न की क्या उपयोगिता है और इसके भारतीय खेत से बाजार तक पहुंचने की क्या प्रक्रिया है और लोगों को इससे क्या लाभ है इस पर इस पर विस्तार से कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे तो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा श्री अन्न भारतीय खेत से विदेशी बाजार तक और इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका मैं आपसे परिचय करा दूं हमारे साथ है डॉक्टर तरुण बजाज जो कि एपीडा के

वर्ष 2023 प्रयाय पर्याय बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष का इसके तहत होने वाले कार्यक्रम 70 से अधिक देशों में आयोजित किए जाएंगे श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत ही नहीं कई देश सार्थक प्रयास में जुटे हैं इसके पहले भी भारत ने साल 2018 में मोटे अनाज पर राष्ट्रीय वर्ष मनाया था और इन्हीं कुछ सालों का नतीजा है कि भारत में श्री अन्न के उत्पादन में इजाफा दर्ज किया जा रहा है आंकड़ों की माने तो 2017-18 में मोटे अनाज का उत्पादन एक लाख टन था जो वर्ष दो हजार में बढ़कर एक लाख टन हो गया हमने प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी बढ़त ली है 2017 2017-18 में उत्पादकता एक किलोग्राम थी जो वर्ष दो हजार में एक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है इन सुखद आंकड़ों के पीछे देश में स्थापित किए गए 18 बीज उत्पादन केंद्र व 22 बीज हब भी हैं। वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार ने भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात भी कही है वही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पौष्टिक अनाज ऐसी बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्में जात की है जैसे रागी में फूले कसारी महाराष्ट्र के लिए गोसाई गाँव मारुआ धन असम के लिए बिरसा मारुआ तीन झारखंड के लिए एटीएल एक टी एन बारह पिछासी तमिलनाडु के लिए छत्तीसगढ़ी रागी असम बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड व मध्य प्रदेश के लिए कुटकी में कलिंग सुवान दो सत्रह ओडिशा के लिए छत्तीसगढ़ सोन कुटकी बी एल इकतालीस तीन छत्तीसगढ़ के लिए बी एल छह राज्य के लिए जीवी दो गुजरात के लिए सावा में फूले बारी बी एम छियालीस महाराष्ट्र के लिए एम डी यू एक दक्षिणी तमिलनाडु के लिए इसी तरह कोदो चेना कंगनी में भी कई उन्नत किस्में हैं जो विपरीत हालात में भी स्थान विशेष में भरपूर पैदावार देती हैं, इसीलिए भारत में श्री अन्न के निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2021-22 में भारत का मोटे अनाजों का निर्यात 64 मिलियन डॉलर है वहीं मोटे अनाजों के निर्यात में पिछले दशक में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है 2011 12 में प्रमुख आयातक देश अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान बेल्जियम आदि थे जिनकी जगह दो हजार में नेपाल छह मिलियन डॉलर संयुक्त अरब अमीरात चार दशमलव आठ चार मिलियन डॉलर सऊदी अरब तीन दशमलव आठ चार मिलियन डॉलर ने ले ली थी केन्या पाकिस्तान भी पिछले एक दशक में भारत के संभावित आयात गंतव्यों में शामिल थे भारत के मोटे अनाजों के निर्यात की वर्तमान शीर्ष दस की सूची में अन्य सात गंतव्य देश लीबिया ट्यूनीशिया मोरक्को ब्रिटेन यमन ओमान और अल्जीरिया हैं। भारत विश्व भर के एक देशों को मोटे अनाज निर्यात कर रहा है भारतीय मोटे अनाजों के मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात भी विश्व भर में विस्तारित है मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात से स्टार्टअप से जुड़े लोगों में उम्मीद जागी है इसीलिए तो जहाँ वर्ष 2014 में पूरे देश में 500 सौ भी कम स्टार्टअप थे वहीं बीते इन सालों में देश के छह सौ छप्पन जिलों में मान्यता प्राप्त छियासी हजार ऐसी अधिक स्टार्टअप के साथ हम विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको हैं है श्री अन्न की बढ़ती ये संभावनाएं हमें भारत को और सशक्त बनाने में कारगर साबित हो रही हैं। आपने देखी आइए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं श्री अन्न के बारे में क्या है ये श्री अन्न और किस तरह से ये भारतीय खेतों से निकलकर विदेशी बाजार तक अपनी पहुंच बना रहे हैं तो बातचीत की शुरुआत करते हुए सिंह सबसे पहले आप हमें समझाए श्री अन्न के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि इसका इतिहास तो बहुत पुराना है लेकिन आज की पीढ़ी शायद इतना नहीं जानती इसके बारे में बस इसके गुणों के बारे में कुछ कुछ सुन रही है तो मोटे अनाज की जब हम बात करते हैं या श्री अन्न कदम की तो उसकी श्रेणी में कौन कौन से अनाज आते हैं हाँ श्री अन्न जो एक वर्षीय जो घास वाली फसलें हैं जिनको हम सीरियल्स बोलते हैं मिलेट्स उसमें आते हैं और ये फसलें जैसा कि आपने बताया इनका इतिहास बहुत पुराना है और बहुत समय से तीन हजार बीसी पूर्व तो ये भारत में आए भारत मुख्य रूप से तीन श्री अन्न हैं जिनका जन्म भारतीय ज़मीन से हुआ है जिसमें आपके बानियार मिलेट है कोदो मिलेट है और आपका आ, लिटिल मिलेट है तो बाक़ी जो ज्वार है बाजरा है वो अफ्रीका दूसरा भारत के अलावा जो दूसरा सेंटर है उनका ओरिजिन का वो अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ से ये आए हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं और इसके बारे में चर्चा हो रही है कि सुपर फूड हैं ये पोषण से भरपूर हैं इनके अंदर विटामिंस मिनरल्स और प्रोटीन बहुतायत मात्रा में है जो ना केवल हमारे शरीर को मजबूती स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्रदान करता है बल्कि इनको खाने से जो हमारी आज की जो आ, हमारी जो जनसंख्या में हम देखते हैं कई माल की प्रॉब्लम है समस्या है आपके कई माताएं बहनें अनिमिया बीमारी से परेशान है तो अगर मिलेट्स का हमारे आहार में अगर हम समावेश करेंगे तो इन सभी जो समस्या है इनसे निश्चित रूप से निजात पाएंगे तो किसी भी भोजन या खाद्य पदार्थ की अहमियत तब काफी बढ़ जाती है जब उसे सुपर फूड का दर्जा मिल जाता है तो डॉक्टर बजाज हमें बताएं की सुपर फूड का दर्जा अब इसे मिल गया है तो इसके क्या फायदे हम माने और इससे क्या चीजें बदल जाती है लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं इसको लेकर वो किस तरह से बदल जाती है देखिये कोविड आया था जी खैर अभी भी थोड़ा बहुत कोविड तो है ये लेकिन नहीं भूले वो समय जब हम सब अपने स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर से जागरूक हुए जी। सबने सोचना शुरू कर दिया कि भैया जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा जो है वो हमारा गहना है तो ये सबने सोचना शुरू कर दिया तो जब स्वास्थ्य की तरफ आए तो सुपर फूड हम लोगों ने ढूंढने शुरू किए सुपर फूड यानी जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं जिसमें न्यूट्रिशन है जिसमें जो हमारे सेहत से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमको चाहिए प्रोटीन चाहिए मिनरल्स चाहिए और जो वाइटमिन चाहिए वो सब हैं उन सबको लेकर जो बना उसको सुपर फूड का दर्जा दिया गया और मिलेट सही रूप में सुपर फूड है इसमें प्रोटीन है मिनरल्स हैं आयरन है फाइबर है बहुत से इसमें जो पोषक तत्व हैं इसलिए इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न का एक नाम दिया है और अब हम दुनिया भर में इसको श्री अन्न के रूप में ही प्रचलित कर रहे हैं दुण। दुण। जितनी हमारी लाइफस्टाइल स्टाइल डिजीजेज हैं जो आप देखेंगे रोज़मर्रा के आने में कई तरह की डिजीज जो बीमारियां हमारे साथ जुड़ गई चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या हमारी डायबिटीज़ की बहुत बड़ी समस्या है या पेट से जुड़ी बहुत सी समस्याएं हैं अनिद्रा की समस्या है आ, मेल न्यूट्रिशन की अभी बात की तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं अगर हम मिलेट को अपने रोजमर्रा की एक खान पान में जोड़ लें तो इन बहुत सी समस्याओं का बचाव काफी हद तक हो बिल्कुल। सकता है। तो खाद्य सुरक्षा पहले हमारी चिंता का विषय होता था लेकिन अब पोषण सुरक्षा हमारी चिंता का विषय है और हम अपने भोजन में तो तभी शामिल करेंगे जब हमारे अन्नदाता इसे उगाएंगे तो ऐसे में हमें किसानों के लिहाज से बताइए कि जो मोटे अनाज है इनकी खेती क्या अहमियत रखती है किसानों के लिए देखिए 2018 में जब ये नेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया था हमारे प्रधानमंत्री ने तो किसानों को वहीं से प्रेरित करना शुरू किया कि आप इनको उगाइए लेकिन प्रश्न ये आया कि प्रति इकाई चाहे वो एकड़ हो या हेक्टेयर में उनको दूसरी फसल के अलावा यदि इनसे ज़्यादा मूल्य मिलेगा तो ही वो उगाएंगे तभी लोगों को प्राप्त हो पाएगा नहीं तो उनकी थाली में जाएगा ही नहीं भले ही बहुत न्यूट्रिशन है उसमें लेकिन ही नहीं होगा तो फिर ये 2023 में इंटरनेशनल माननीय प्रधानमंत्री ने ही प्रस्ताव रखा था जनरल असेंबली में और उन्होंने उनको बहत्तर देशों ने उसने स्वीकार करके ये इंटरनेशनल ईयर किया तो सारे देश मिलकर के किस तरीके से न केवल भारत में विदेशों के लोगों को भी उपलब्ध हो सके अब किसानों को प्रेरित करना है उनकी आय कैसे बढ़े ये सोचना है क्षेत्रफल बढ़ाना है उत्पादन बढ़ाना है किसानों की आय बढ़ाना है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए दो तीन तरीके हैं एक तो हम प्रोसेसिंग में जाए उनका वैल्यू एडिशन करें सीधा ना बेच के वो करें दूसरा उनको मार्केट चेन मिले जहां पर उनको पैदावार होती है वो बेचेंगे कहां पर वो कोई रिनाउंस्ड उनको ऐसी इंस्टीट्यूशन हो ऐसा साधन उपलब्ध हो ऐसा मार्केट हो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उनको माल को खरीद कर उचित मूल्य दे सके दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि किसान सब मिलके किस तरीके से या हुँ, सरकार हुँ, या जो प्राइवेट हमारे प्लेयर हैं उनको साथ लेकर के भारत में किस तरीके से उनके वैल्यू एडिशन उसके रूप को बदला जाए प्रोसेसिंग को किया जाए जब प्रोसेसिंग होगी तो लोग किसानों का मूल अपने आप बढ़ जाएगा और फिर जो प्राइवेट लोग और किसानों की इंस्टीट्यूशंस और सरकार की इंस्टीट्यूशन सब मिलके लोगों के तक पहुंचाएंगे तो इसमें हम आस... देख रहे हैं कि ये बदलाव अब आ रहा है क्योंकि एक इकोसिस्टम एक पूरा तैयार हो रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की वजह से और सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं हर स्तर पर इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यह बदलाव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि मिलेट्स के जो किसान है या इससे जुड़े जो व्यवसायी है उसके लिए बहुत ही स्वर्णिम काल इस वक्त चल रहा है और इसका भरपूर लाभ वो ले सकते हैं आइए इसके बारे में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पल्लवी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं ये साल जो है है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा का भारत पहले ही 2018 में राष्ट्रीय वर्ष मना चुका है लेकिन ये सब माहौल अब बनने लगा है लेकिन आप तो इस क्षेत्र में इससे पहले से जुड़ चुकी हैं तो बताइए कि ऐसी क्या खासियत आपको इस क्षेत्र में नजर आई कि आप इससे जुड़ी जी, जी आ, तो मिलेट्स फॉर हेल्थ हमारा ब्रांड है कंपनी है सकल न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड हम उत्तर प्रदेश स्थित एक स्टार्टअप हैं और आ, 2016 में हमने ये काम शुरू किया मिलेट्स को लेके पर इसका जेनेसिस या इसकी शुरुआत जो है वो थोड़ी और पीछे जाती है आ, इस कंपनी में हम आ, दो फाउंडर्स हैं मैं और मेरे हस्बैंड तो आ, राजीव जो हैं वो मिलेट किसानों के साथ दो हज़ार से काम कर रहे हैं लगभग पाँच किसानों से उन्होंने शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में और इस समय करीब दस हज़ार किसान उनके काम के साथ जुड़े हुए हैं तो ये आ, किसानों के साथ तो काम उसी समय से चल रहा था क्योंकि वो एरिया ऐसा है जो बहुत सूखाग्रस्त है और वहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें जो किसान उगाते हैं बारिश न होने के चलते बहुत क्रॉप फेलियर्स होते हैं उस एरिया में और मिलेट जो है श्रीअन वहां का एक ट्रेडिशनल अनाज हुआ करता था ट्रेडिशनल क्रॉप हुआ करती थी क्योंकि उस सॉइल में वो बहुत आसानी से उग जाते थे तो किसानों के साथ ये काम शुरू किया गया उस समय कि उनको वापस उस पर लेके आए क्योंकि उनकी बाकी सारी फसलें जो है वो फेल हो जाती है पर ये जो है श्रीअन अगर बारिश नहीं भी होगी कम बारिश में कम पानी में ये बहुत आसानी से उग जाते हैं पर काम की शुरुआत जबकि तो मार्केटिंग में आप जानती हैं उस समय तो थोड़ा चैलेंज था बहुत सारा चैरिटी बाइंग टाइप का लोग करते थे पर ये एक जो है जिसको सस्टेनेबल कहा जाता है वो बाजार नहीं था किसानों के लिए और uh, 2014 में uh, मेरी uh, बेटी है तो uh, मुझे uh, प्रेगनेंसी के दौरान uh, गर्भावस्था में मधुमेह जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको कहते हैं वो हो गया था अन्न खाकर ही मैंने पूरा ड्यूरेशन बिल्कुल एक दवाई भी नहीं लेनी पड़ी मुझे डॉक्टर्स और गायनोकोलॉजिस्ट सब लोग बहुत सरप्राइज थे श्रीअन्न खा के मैंने पूरा मैनेज किया और जब एक ये किसान के काम वाला बैकग्राउंड और ये अपना खुद सेहत पे जब हमने असर देखा तब हमें समझ में आया कि इस चीज को बाजार में लाने की बहुत जरूरत है खुद अनुभव किया तो जरूर महसूस किया कि कुछ तो बात इसमें है और इसीलिए आप इस क्षेत्र से जुड़ गए आपके अनुभव के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे लेकिन डॉक्टर टीकम सिंह यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी जैसा कि जिक्र भी किया पल्लवी जी ने कि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में भी ये जो श्रेयन है या मोटा अनाज इन्हें उगाया जा सकता है भारत में अगर हम कृषि की दशा को देखें तो आधे से ज्यादा जो क्षेत्र है वो वर्षा आधारित है सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है तो ऐसे में और फिर जलवायु परिवर्तन की स्थिति में हम देख रहे हैं जिसकी मार किसानों को कई बार झेलनी पड़ जाती है तो इन परिस्थितियों के बीच में मोटे अनाज की खेती अगर किसान करे तो उसकी महत्ता और कितनी बढ़ जाती है आ, बिल्कुल आ, मोटे अनाज आ... इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता है इनको हम ग्रो कर सकते हैं उगा सकते हैं और इसीलिए इनको क्लाइमेट रिजिलेंट क्रॉप भी बोलते हैं जैसा जो क्लाइमेट चेंज होता है बदलाव आ रहा है जलवायु परिवर्तन में तो उसके हिसाब से जो भी एक्सट्रीम इवेंट आती है अधिक वर्षा होती है या सूखा पड़ जाता है उस परिस्थिति में मिलेट्स आ, अपना उत्पादन ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है क्योंकि ये कम समय में पकने वाली फसल हैं कम समय में पक जाती हैं इनको पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है हम जब बात करते हैं आ, धान और गेहूं के को लेकर के उनकी अपेक्षा में इनके अंदर करीब एक तिहाई पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है आ, और इसी हिसाब से इनकी जो जल मांग है वो भी आधी से भी कम जल मांग होती है तो हमारे जो किसान भाई हैं और अधिकतर जो भारत में जो सीरियन का खेती होती है वो वर्षा आधारित होती है किसान पानी नहीं देते तो हमें अगर इनका उत्पादन बढ़ाना है तो हमें कुछ एरिया को कुछ क्षेत्र को श्री के को इसमें इरिगेशन सिंचित क्षेत्र में लाना पड़ेगा और आ, इनका उत्पादन और अधिक बढ़ाना पड़ेगा जी डॉक्टर बजाज क्या देख रहे हैं आप की जो मांग बढ़ने लगी है एक जो जागरूकता फैली है क्या उसका असर किसानों पर भी नजर आ रहा है और उत्पादन के लिए उनकी रुचि में कुछ बढ़ोतरी दिख रही है बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है और मैं बताता हूं कि ये जो मांग बढ़ रही है मकसद भी यही है कि मांग जैसे जैसे बढ़ेगी सप्लाई चेन हमारी इंप्रूव होगी और जैसे जैसे सप्लाई चेन बढ़ेगी हमारे किसानों को इसका लाभ मिलेगा ही ना केवल किसानों को Hmm. किसानों के साथ साथ जितने एफ हैं hmm. जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको मिलेगा hmm. जो एग्रीगेटर्स हैं उनको मिलेगा जो हमारे जैसे जैसे स्टार्टअप्स हैं उनको मिलेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट okay. अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं hmm. इसमें बहुत सारी मैं बता रहा हूँ करीब 500 के करीब स्टार्टअप्स तो अभी आ चुकी हैं और और भी बहुत सी स्टार्टअप इसमें आ, आने की सोच रहे हैं hmm. साथ ही साथ जो है हम इसमें वैल्यू एडिशन होगा वैल्यू hmm. एडिशन से क्या होगा कि हम जो उत्पाद हम समझिए एक अमाउंट में बेचते हैं तो वही हम एक्स इंटू सिक्स के अमाउंट में या एक्स इंटू नाइन के अमाउंट में बेचेंगे इतना इसमें फर्क पड़ जाता है गुना या आठ गुना नौ गुना दाम जो है बढ़ जाते हैं अगर उसमें वैल्यू एडिशन हो जाती है तो इस पूरी की पूरी चेन में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको फायदा होगा और यही मकसद है मांग बढ़ने से साथ ही डोमेस्टिक मार्केट में इसको बढ़ेगा क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है विदेशों में इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद है और उसकी भी वजह है क्योंकि हमारे बहुत से भारतीय एक्सपाट्रिय हमारे विदेशों में हैं वो तो जानते ही हैं उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मिलेट क्या होता है और मिलेट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूम करेंगे कर ही रहे हैं अब शुरू हो गए हैं पर जो मेन स्ट्रीम है उनको भी अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट होने की वजह से इसके बेनिफिट्स को पता लग रहा है कि इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं और वो भी अब अपनी फूड हैबिट्स में इसको जोड़ रहे हैं आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि इसकी डिमांड काफी बढ़ेगी और अंततः लाभ हमारे किसानों को होगा बिल्कुल हो डॉक्टर दुबे आपका अनुभव क्या बताता है किसान किस तरह से इसमें जुड़े हैं और मांग जो है वो किस तरह से अब बढ़ चली है ये पूरा जो एक तैयार हो रहा इकोसिस्टम और जो जागरूकता फैलाई जा रही है इसका जो परिणाम है वो कैसा नजर आ रहा है आपको ये जो मिलेट्स का प्रभाव है अच्छे प्रभाव है वो कई दिशाओं पे पड़ेंगे एक तो ये होगा कि मिलेट्स का जो न्यूट्रीटिप वैल्यू आप ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे हर मिलेट्स की बहुत ज़्यादा न्यूट्रीटिप वैल्यू है कुछ को तो जड़ी बूटी कहा गया है लिटिल लिटिल मिलेट्स को जड़ी बूटी भी कहा गया है कई दवाओं में काम आती है ये चीज़ एक्सटेंशन होगी लोगों को स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा किसानों को अगर अच्छा मूल्य मिलेगा पैदावार लागत कम लगानी पड़ेगी क्योंकि फर्टिलाइजर कम लगाना पड़ता है बर्षा आधारित जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बर्षा आधारित ये लगभग फसल होती है अगर कॉमन मिलेट को छोड़ करके अप्रैल मई में जो बोया जाता है मार्च अप्रैल में बाकी की सब बरसा आधारित हैं बारह तेरह मिलेट्स हैं तो लागत कम होगी तो किसानों का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ेगा दूसरा ये है कि अब आया कि किसानों को डायरेक्ट इसका पैसा का जो लाभ है वैल्यू एडिशन हुआ तो एक तो प्राइवेट प्लेयर आए एक जो है गवर्नमेंट प्लेयर आए ये हो सकता है कि अगर इन प्लेयर्स ने अपना लाभ ज्यादा किया तो किसानों को लाभ नहीं हो पाएगा अब तीसरा साधन है कि किसान अपनी संस्था क्या बना करके स्थापित कर सकते हैं उसके अच्छा। दो तरीके हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इनके दस हजार करीब ऐसा कोई गांव नहीं है देश में जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी ना हो ऐसा कोई किसान नहीं है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से न जुड़ा हो बस आवश्यकता इस बात की है कि वो इस प्रोसेस को खरीदना भी शुरू करें और अपनी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाएं तो जो लाभ होगा वो पूरा का पूरा किसानों के जेब में ही जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू और आपको एक और बात बता दूं कि अभी अभी हमारे जो सहकारिता मंत्रालय खुला है उन्होंने जो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी जो गांव लेवल पे थी उनमें ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं छोड़ी ना जोड़ सकते हो पच्चीस नया उन्होंने बायलॉ चेंज करवाया है तो पच्चीस एक्टिविटीज सीधी सीधी होंगी और उसमें यह भी है कि कोई भी एक्टिविटी जो आवश्यकता है उस गांव कि, की किसानों की वो भी एक्टिविटीज कर सकते हैं उसमें प्रोसेसिंग देखो को, देखो को देखो। बहुत ज्यादा सरकार मैं ना ये कहना चाहता हूँ देखिये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए आप जो बहत्तर देशों ने समर्थन किया कोई बेवजह नहीं समर्थन किया जी। आज देखिए हमारी जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है दुनिया भर में आज कुछ जो हमारे सीरियल्स हैं जैसे चावल हो गया गेहूं हो गया और कुछ हद तक मक्का हुआ इस पर ओवर डिपेंडेंस है सब लोग उसी पे ओवर डिपेंडेंस है आने वाले समय में नाइन बिलियन टेन बिलियन पॉपुलेशन दुनिया की हम बात कर रहे हैं तो हमें और ऐसे सीरियल चाहिए जो कि इसको जोड़ सकें और इस पर जो प्रेशर है उसको कम कर सकें तो वहां मिलेट हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक जो है एक भूमिका निभा, भूमिका निभा रहा है जिसमें कि हम मिलेट को मिलेट दो तरीके से आपने शुरू में भी कहा था कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं तो दोनों का जो है वो इसमें हमें फायदा मिलने वाला है ना केवल भारत को पर पूरी दुनिया को बिल्कुल और ये फायदा सीधे किसानों को मिल रहा है कि नहीं आइए जानते हैं उनसे जो सीधे किसानों से जुड़ी हुई हैं तो पल्लवी जी ये बताइए आपका स्टार्टअप जो है वो मिलच पर ही आधारित है तो ऐसे में जो कच्चा माल आपको मिलता है तो क्या सीधे उन किसानों से मिलता है और उनमें आपने किस तरह का बदलाव दिखा क्या अब आपके कच्चे माल की जो पूरी डिमांड होती है वो पूरी हो जाती है क्या है आपका अनुभव देखिए इसमें अनुभव तो ऐसा है कि पिछले एक दो सालों में तो डिमांड अब इस तरीके से बढ़ रही है जी। कि अब जो है कहीं कहीं सप्लाई कम भी पड़ रही है हमें अच्छा। जैसे स्पेसिफिकली बार्नयार्ड यार्ड जिसको सांवा का चावल कहते हैं वो हुँ। हुँ। हमारे देश में ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसकी भी डिमांड बहुत बढ़ जाती है उसकी सप्लाई काफ़ी बार इम्पेक्टेड हो जाती है और किसान अब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसे उगाने में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली किसानों से करते हैं पर कुछ अनाज ऐसे हैं अब जैसे जो छोटे मिलेट होते हैं छोटे श्री अन्न हैं उनका डीहलिंक करना पड़ता है तो उनको वो प्रोसेसर से लिंक करके और फिर तब प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है अगर okay. अभी जो काम हो रहा है उसमें किसानों तक छोटी मशीनरी पहुंच जाए तो फिर हम किसान से डायरेक्टली भी ले सकते हैं तो कुछ काम इस डायरेक्शन में भी होना ज़रूरी है और हो भी रहा है अब धीरे धीरे ये काम और वो सामान उनसे लेके जो अनाज उनसे लेके फिर हम सत्तर से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो आटा हो गया उसका दलिया हो गया अंकुरित आटे हो गए जैसे अंकुरित रागी अंकुरित ज्वार आ, सूजी पोहा आ, मिलेट के नूडल्स नमकीन कुकीज़ यहाँ तक कि हम लोग जो है उसकी ब्रेड रागी की ब्रेड ज्वार की ब्रेड इडली डोसा बैटर ये सब भी बनाकर और कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं तो जिस जिस तरीके से डिमांड में इजाफा हो रहा है किसानों तक जरूर इसका डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचेगा तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि कभी कभी मांग इतनी ज्यादा हो जाती है कि इतना जो है आपको कच्चा माल भी नहीं मिल पाता यानी कि यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो किसान है उनके पास उस वक्त काफी संभावना है यानी कि उत्पादन में अगर वो और बढ़ो

एरिया में एक ही ज्वार की खेती ही करीब 18.6 मिलियन हेक्टर में होती थी तो करीब 30-35 मिलियन हेक्टर से ज़्यादा हमारा एरिया अन्न में था लेकिन धीरे धीरे जैसा कि दूसरी अन्य क्रॉप फसलें आई जिसमें मक्का है सोयाबीन है और आपके गेहूं का और चावल का भी क्षेत्रफल बढ़ा और जो मतलब हरित क्रांति ने इन फसलों को प्रोत्साहित किया जी। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई अपने जो पुरानी जो स्रीयन्न फसलें थीं उनसे आ, हट के और गेहूँ चावल और आ, मक्का की खेती करने लगे सोयाबीन की खेती करने लगे तो इस वजह से हमारा जो एरिया है क्षेत्रफल है स्रीयन्न का वो घट गया आज की तारीख में हम देखते हैं कि भारत देश में जो अन्न की खेती की जाती है करीब चौदह मिलियन हेक्टर एरिया में खेती की जाती है और उससे करीब अठारह मिलियन टन हम उत्पादन अन्न का करते हैं तो हमें जैसा कि दुबे साहब भी बता रहे थे कि हमें इनका एरिया बढ़ाना होगा तो हमें इनका एरिया क्योंकि श्री अन्न ऐसी फसलें हैं कम समय में पकती हैं हम इनको हमारा जो क्रॉपिंग जो एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम है उनके अंदर इनका समावेश कर सकते हैं है। अंतर सस्य के रूप में इनको हम लग, किसान भाई इसको लगा सकते हैं और जहां हमें आ, करीब 60-70 दिन का अगर विंडो मिलता है खेती करने का जब हमारी फसल आ, फैलो होती है किसान उस समय कुछ नहीं लगाता उस समय श्री अन्न की खेती किसान भाई कर सकते हैं उससे भी एरिया बढ़ेगा उत्पादन भी बढ़ेगा और दूसरा आ, हमारे जो अनुसंधान संस्थान है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं है। इन सब ने बहुत सारी कई वेरायटिया पिछले पांच छह सालों में बनाई हैं, वो क्योंकि हमारे जो अधिकतर किसान भाई है श्रीअन जो उगा रहे हैं है। उनकी उत्पादकता बहुत कम है जी। हा? हा? हम देखेंगे उत्पादकता पिछले सालों में बड़ी है हरित क्रांति से पहले और अब आ, लेकिन अभी भी हमारे जो छोटे अनाज हैं जिनमें मुख्य रूप से जो माइनर मिलेट्स हैं आ, उनका जो आ, वेराइटल इम्प्रूवमेंट है वो कम है किसान अपना बीज उगाता है और बहुत ही छोटे क्षेत्र पर करता है तो अगर उनकी जो उन्नत वेराइटी अभी उपलब्ध हैं आ, उनको किसान है, किसान भाई उनको अपनाएँ और जो वैज्ञानिक तकनीक है उनको लगाने की अगर उससे खेती करेंगे तो एरिया भी बढ़ेगा और प्लस उत्पादन भी इनका बिल्कुल तो किसान इन बातों पर अमल कर सकते हैं इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसे कि बताया यहाँ पर डॉक्टर टीकम सिंह ने कि दो फसलों के बीच में अगर आपकी जमीन पत्ती पड़ी हुई है तो उसका लाभ उठाइए उसके दौरान आप श्रेय अन्न उगा सकते हैं और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा भी होगा और साथ ही इस दिशा में अनुसंधान तो चल ही रहे हैं इनका भी लाभ आपको समय समय पर जरूर मिलता रहेगा इसके साथ ही जैसे कि मांग बढ़ रही है निर्यात की स्थिति किस तरह से बेहतर हो रही है और किसानों को किस तरह से लाभ इससे हो सकता है इस पर विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल विचार विमर्श कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का हम जल्द हाजिर होंगे आप बने रहें दूरदर्शन के स्थान पर आइए अब हमारी चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं तो जैसे कि हम श्री बात कर रहे थे कि इसकी जो मांग ये उसमें, तो उसमें किस तरह के बदलाव इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो निर्यात है हम कह सकते हैं पहुंच चुके हैं अभी जो निर्यात इसका हो रहा है वो साढ़े चार सौ पांच सौ करोड़ के आसपास हो रहा है जो कि Uh, मिलेट्स हैं खाली जी जी अब हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं इसको दुगना तो हम कर ही देंगे हुँ. लेकिन साथ ही साथ जो मिलेट के उत्पाद हैं जी बहुत तरह के उत्पाद हैं अभी पल्लवी ने बताया शायद ही कोई ऐसा उत्पाद है जो हम अपने रोजमर्रा की फूड हैबिट्स में हैं लेकिन वो मिलेट्स के या मिलेट्स से मिक्स होकर बनता है कुछ भी आप चाहे अपनी रोटी ले लीजिए ब्रेड ले लीजिए कन्फेक्शनरी ले लीजिए जो नए जमाने के खाने नूड, नूडल पास्ता पिज्जा कुछ भी ले लीजिए सब अब आप तो आइसक्रीम तक बननी शुरू हो गई है मिलेट की मिलेट का दूध भी आ गया है जो कि वीगन है तो इस तरीके बहुत सारे उत्पाद आ गए हैं अब ये उत्पाद हमारे जो हैं वो एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए इसका जो है वो भारत सरकार की तरफ से कई जगहों पर हम मेलों में भाग ले रहे हैं विभिन्न देशों में वहाँ हम अपने स्टार्टअप्स और एक्सपोर्टर्स को साथ लेके जा रहे हैं उनके जो उत्पाद हैं उसको डिस्प्ले कर रहे हैं वहाँ बायर सेलर मीट आयोजित कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुपर मार्केट चेंज हैं दुनिया भर में उनके जो बड़े बड़े सुपर मार्केट्स हैं उनके साथ हम हम अपने स्टार्टअप्स को और जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनका डायरेक्ट टाईप करा रहे हैं अच्छा। ताकि वो हमारे साथ जो है वो हमारे उत्पादों को ना केवल उनको जगह दें बेचने के लिए बल्कि उनका प्रमोशन भी करें और उन कि जो है वो मदद करें वहाँ पे बेचने में लोग जो आएंगे उनको एजुकेट करने में उसके बारे में भी बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे आप लोग कंज्यूम करते हैं एक बात और हम लोग जो ख़ास तौर पर चल रहे हैं क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है उन तक इसको पहुँचाने के लिए जो उनके खान पान के व्यंजन हैं जी उनको हम उसमें मिलेट को जोड़कर उनके व्यंजन जैसे कोई भी व्यंजन है जो किसी देश का खास है व्यंजन उसमें हम मिलेट को जोड़कर उस व्यंजन को बना रहे हैं और उनको परोस रहे हैं जिससे कि उन्हें कोई मुश्किल भी नहीं हो और कुछ ज्यादा भी अटपटा नहीं लगे और मिलेट भी कंज्यूम हो जाए और साथ में उनका अपना टेस्ट भी बना रहे तो, तो ये भी हम लोग स्ट्रैटेजी तरह के हो रहे हैं इस क्षेत्र में तो ऐसे में डॉक्टर दुबे हमें बताए की अगर कोई किसान है वो उत्पादन कर रहा है लेकिन साथ ही वो इसके मूल्य संवर्धन से भी जुड़ना चाहता है तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए किस तरह से वो इसमें इस दिशा में आगे बढ़े मूल संवर्धन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत कठिन नहीं है जी वो घर पे भी कर सकते हैं गांव में भी कर सकते हैं और वो रोज़ पिछलन में हैं जैसे मैं जो मैडम ने बताया कि आटा है और बहुत सारे घर में जो ब्रेड बनती है वो बनती बहुत सारे इसमें ज्वार वगैरह का होता है तो सब है वही एक तो बात ये हो कि पहले किसान जो पैदा करता है वो खुद भी यूज करना चा... चाहता है भारत के किसान की हैबिट है कि घर के यूज के लिए भी वो करता तो उसे भी एक बताया जाए कि ये चीज आप इस तरीके से उपयोग करते हैं थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया जाए थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाए थोड़ा सा कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं दूसरा ये सबसे बड़ी बात है मिलेट्स को जो रागी है उसमें कैल्शियम बहुत होता है रागी है ये रामदाना है या लिटिल आ, मिलेट्स है बहुत उपयोगी है तो इनके है। क्या घर में वो अपने बच्चों के लिए फूड बना सकते तो बच्चे सबको प्रिय है तो उसकी जब उन्हें घर की आवश्यकता होगी तो, तो, तो वो पैदावार पहला बार कि अलग अलग जो हाँ। डिशेज होते हैं उसमें किस तरह से जो मोटे नाज उसको शामिल कर सकते हैं इस दिशा में भी प्रयास किया जाना बहुत जरूरी है पल्लवी जी यहाँ पर मैं आपको शामिल करना चाहूंगी क्योंकि आप इसके स्टार्टअप से जुड़ी हुई है कई तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास लेकिन क्या आप लोगों को ये भी बताती हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है जी इनफैक्ट हमारे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि हम लोगों को सिखाते हैं कि इन अनाजों का प्रयोग कैसे करना है आ, आप जानती हैं हम लोगों ने 2016 में इस काम की शुरुआत की जब जी? हमने 16 में शुरुआत की तो उस समय तो लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता था कि कैसे हम अनाज खाएं प्रोडक्ट्स भी हमारे उस समय लिमिटेड थे आटे थे अनाज थे तो लोगों को बहुत सिखाना पड़ता था तो हम लोग कुकिंग वर्कशॉप्स बहुत करते हैं लोगों के साथ और अपने उपभोक्ताओं के साथ कस्टमर्स के साथ भी हम लोग उनको सिखाते हैं कि ये अनाज कैसे उगाना है और अभी कोविड में तो ऑनलाइन हुआ ऑनलाइन होने के बाद हमने क्या किया ई लर्निंग कोर्स जो है रिकॉर्ड करके हमने ऑनलाइन इसको रख दिया है अच्छा। तो हमारा एक अंग्रेजी में ई लर्निंग कोर्स है और एक हिंदी में ई लर्निंग कोर्स है और कस्टमर्स जो है ये ई लर्निंग कोर्स खरीदते हैं उसमें बहुत सारी लिखित रेसिपीज़ भी हैं बहुत वीडियोस भी हैं मिलेट्स को पहचानते कैसे हैं अच्छा क्वालिटी का मिलेट कैसे आप पहचान सकते हैं कहाँ से ख़रीदना चाहिए ये सारी जानकारी और उसके साथ साथ मिलेट की रोटी कैसे बनानी है अगर आप गेहूँ ना मिलाना चाहें तो मिलेट का चावल अगर आप पका रहे हैं तो वो खिला खिला कैसे पके हलवे जैसा ना पके जी। अगर आप खिचड़ी खाने के आदि हैं या इडली डोसा खाने के आदि हैं या आपके बच्चों को कुछ फैंसी कॉन्टिनेंटल चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो सारी कुकीज़ आप घर में कैसे बेक कर सकते हैं ये सारी रेसिपीज़ में रिकॉर्ड करके हमने डाल दिया तो लोग कोर्स खरीदें लो तो मैं तो, मैं तो तो बाद में खाना शुरू किया है मेरे मतलब बच्चे अब खा रहे हैं पर खाते हुए तो मैं बड़ी नहीं हुई तो हम लोग जो हमारी जनरेशन है वो भूल चुकी है कि इसको कैसे पकाना है हमने सीखा नहीं है और बिहेवियर चेंज जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसमें समय लगता है तो जब तक हम लोग ये नहीं सीखेंगे और सिखाएंगे नहीं देखिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तो यूज़ करना आसान है पर अगर इसको हम जैसे गेहूं और चावल हम जिस तरीके से खाते हैं उसको अगर हम अपने देश के और लोगों के खान पान में जोड़ना चाहते हैं जो कि वो भी ज़रूरी है जो हम आ, जो पोषण की बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं उस नज़रिए से ये बहुत ज़रूरी है तो इसको हमें डेली बेसिस पे कैसे पकाना है ये लोगों को सिखाना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा प्रयास आपने शुरू किया है कि आप प्रोडक्ट्स बेचने के साथ साथ ही आप सिखा भी रही हैं लोगों को ताकि उनके फूड हैबिट्स में वो शामिल होता जाए अब टीकम सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बात हो रही है मिलेट्स को भोजन में शामिल करने की तो ठीक है कुछ मुख्य मोटे अनाज तो है ही लेकिन कुछ माइनर मिलेट्स भी है जो कि बहुत ही रीजन स्पेसिफिक यानी कि बिल्कुल किसी क्षेत्र के होते हैं तो हो सकता है कि वहां के लोग उसके खाते हो तो ऐसे में लोकल फॉर वोकल भी आ, काफी जोर शोर से चला है क्या इस तरह के प्रयासों से भी इनको भी और ज्यादा एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है क्या प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं कुछ इस पर जोर देना चाहेंगे बिल्कुल मिलेट्स के जो बात करते हैं हम ये बहुत ही लोकेशन स्पेसिफिक है जैसे कि हम देखते हैं ज्वार की खेती अधिकतर महाराष्ट्र में होती है और बाजरा राजस्थान और गुजरात में इसकी खेती होती है दूसरे आपके जो अदर माइनर मिलेट्स हैं जिसमें आपके लिटिल मिलेट कोदो इंडियन बाइन यार्ड सावा, ये इनकी खेती मध्य प्रदेश में होती है रागी मोस्टली कर्नाटका में और तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में होती है तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने सरकार हमारी भारत सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया है करीब दस बारह स्टेट में इक्कीस डिस्ट्रिक हैं जो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर आधारित हैं मतलब उन 21 जिलों में उन छोटे अनाजों को ये आइडेंटिफाई कर लिया गया है पहचान बना लिया गया है कि इस जिले में ये छोटा अनाज होगा तो उस उस हिसाब से सरकार की जो फोकस है उसका उत्पादन उस डिस्ट्रिक्ट में उस जिले में आ, बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है जी जी बिल्कुल डॉक्टर बजाज ऐसे कुछ और प्रयासों के बारे में आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों में जागरूकता बढ़ रही है आ, इसे मिलेट्स को लेकर श्री को अपने भोजन में शामिल करने को लेकर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अभी हमने ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की थी, थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया था जी जी अब क्या किया उस कॉन्फ्रेंस तो थी इंटरनेशनल बायर्स थे क्योंकि बी टू बी मीट थी और उसमें जो इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आए हुए थे वो तो हुआ पहले दो दिन जी। उसके बाद वहाँ स्टूडेंट्स को बुलाया गया कॉलेज स्टूडेंट्स को स्कूल स्टूडेंट्स को बुलाया गया उनको दिखाया गया करीब 200-250 के करीब उत्पाद थे जो वो रोज खाते हैं जी। उनको दिखाया गया कि ये वही उत्पाद हैं जो आप रोज़ खाते हो लेकिन अब जो हैं वो अब मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और उनको टेस्ट कराया गया जिससे टेस्ट करें और उनको लगा कि वाह ये तो हम कोई ऐसी नई चीज नहीं है और ये तो अच्छी चीज है और साथ में हेल्दी भी है जी। उसके अलावा हमने जो है वो जितने अलग अलग सेगमेंट्स के लोग हैं सबको बुलाया वहां पर सबको कहा कि इस एग्जीबिशन में आए और उनको हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ टेस्ट कराया गया और सैंपल भी दिए गए ब्रेकफास्ट सीरियल्स में देखा गया कि जो रोजमर्रा में हम खाते हैं और मिलेट बेस्ड लेंगे तो हमारे नाश्ते में जो है वो मिलेट बेस्ड आसानी से आ जाएगा दिन भी अच्छा रहेगा और मिलेट भी हमारे जो है शरीर को पोषण भी मिल गया तो ये बहुत सी प्रक्रिया है साथ ही हमने किसान भाइयों को भी आमंत्रित किया कि आप भी आइए और देखें अब उनकी मैं रिएक्शन बताता हूँ उन्होंने आके देखा तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये समझते थे पहला कि ये शायद इसमें सिर्फ आटा बन सकता है या ज्यादा से ज्यादा दलिया बन सकता है जब उन्होंने 200 250 और इतने सारे उत्पाद देखे तो उन्हें लगा कि वाह ये तो इसकी मतलब डिमांड और बढ़ने वाली है हमने उनको दिखाया कि हम किस तरह इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत से ऐसे किसान थे जिन्होंने कहा कि यहाँ तो हम छोड़ चुके हैं या छोड़ने का सोच रहे थे लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे <laughs> अब हम जो है इसका रकबा भी बढ़ाएंगे हम इसकी प्रोडक्टिविटी की तरफ भी काम करेंगे क्योंकि हमें अब ये फ्यूचर नजर आ रहा है तो ये एक रिएक्शन हम लोगों में लगी और जिसका कि हम जो है आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसका डिमांड बढ़ेगा अब आप देखिए ना सरकार के प्रयास से अब जो राशन जाता है हमारे सैन्य भाइयों को उनको भी इसमें जोड़ दिया गया कितनी बड़ी डिमांड बढ़ गई एक साथ ही। स्कूलों में अब जोड़ने जा रहे हैं मिड डे मील में भी जोड़ने जा रहे हैं तो हर तरह से एक डिमांड जबरदस्त इसमें बहुत जबरदस्त डिमांड बढ़ने वाली है हिंदुस्तान में और दुनिया भर में और तो डॉक्टर दुबे किसान किस तरह से इस डिमांड बढ़ती हुई डिमांड का लाभ उठाएं एनसीवाई की तरफ से किस तरह के प्रयास हो रहे हैं देखिए अभी एक इंडिया में भारत सरकार की पू आईसीएआर की एक इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च एनसीवाई ने कल ही उनसे एमओयू किया है गवर्नमेंट के सजेशन पर कि वो रिसर्च करेंगे और आप जो है गांव-गांव तक किसानों तक जुड़े हुए हैं क्योंकि नेशनल कॉपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया एपेक्स बॉडी है कॉपरेटिव मूवमेंट की उसका दायित्व तो है किसानों को कॉपरेटिव के थ्रू बढ़ावा देना तो आप उससे जुड़े हुए हैं तो उनको और हम मिलकर के गांव में पहले एक ऑथेंटिक या संगठित एक इंस्टीट्यूशन खड़ी करेंगे मिलेट्स को इकट्ठा करना मार्केट करना फिर उसकी प्रोसेसिंग करना फेडरेशन एक डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन बनाना फिर स्टेट फेडरेशन बनाना फिर नेशनल फेडरेशन नेशनल फेडरेशन बनाना और नेफेड और एपिडा और एनसीसीएफ इनके थ्रू एक्सपोर्ट का भी काम करना तो ये सारे काम सब लोग मिलकर करेंगे जो भारत सरकार के इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सिटी है के वी के हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैं सब लोग मिलकर और दूसरे जो एग्रीकल्चर तो सब लोग में जो कॉपरेटिव के गांव गांव तक पहुंचे किसान तक डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो और ऐसा कोई किसान नहीं जो उसका सदस्य नहीं है तो ये हमने अभी कल ही एम किया है आई आई एम से और ये बहुत जल्दी हम किसानों तक उनका स्प्रेड करना उनका एरिया बढ़ाना उनका खरीद का उचित मूल्य दिलवाना उनकी प्रोसेसिंग के लिए अगर सम्भव हो तो गांव में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनिट लगवाना जी, उसके बाद अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी है अगर विदेश जा सकती है तो उसको कॉपटिव के थ्रू हम विदेश भिजवाना एक नई कॉपरेटिव अभी रजिस्टर्ड हुई है एक्सपोर्ट की तीन कॉपरेटिव हुई हैं उसमें एक है एक्सपोर्ट वाली और एक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वाली ठीक है आ, हाँ। और एक और के प्रयास जो है हाँ। वो एनसीवाई की तरफ से भी किए जा रहे हैं यानी कि हर स्तर पर हो रहे हैं चाहे अनुसंधान संस्थान हो या फिर बाकी जो तमाम संस्थाएं हैं वो इसमें काम कर रही हैं इस विषय पर विस्तार से बातचीत हमारी आगे भी जारी रहेगी और जानेंगे की कि किस तरह से किसान से उद्यमी का सफर आप तय कर सकते हैं अब मिलेट्स के जरिए इसे एक माध्यम बनाकर और किस तरह से ये आपकी समृद्धि का रास्ता बना सकता है बातचीत हमारी जारी रहेगी लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का बने रहें दूरदर्शन के साथ पर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श जिसमें आज हम बात कर रहे हैं श्री अन्न की और बात ये हो रही है कि भारतीय खेत से विदेशी बाजार तक ये किस तरह से अपना सफर तय कर सकता है जी हाँ तो डॉक्टर तो तो बजाज हमें बताएं कि ये जो क्षेत्र है ये उभरता हुआ क्षेत्र है और बहुत ही संभावना इसमें सामने नजर आ रही है क्योंकि जो मांग है वो बढ़ चली है तो ऐसे में हमें बताइए कि निर्यात की जो स्थिति है वो कैसी नजर आ रही है और जो स्टार्टअप्स हैं वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब बहुत क्षेत्र में आने लगे हैं तो उनकी भूमिका आप किस तरह से देख रहे हैं तो निर्यात की तो मैंने बताया कि हमें आने वाले समय में लग रहा है कि हम इसको डबल कर देंगे जी, जी. और उसके आगे कई गुना हम बढ़ाने वाले हैं हुँ. निर्यात केवल मिलेट का ही नहीं इसके जो उत्पाद हैं उनका हम ज्यादा देख रहे हैं कि निर्यात बढ़ने वाला है हुँ. इसमें जैसा अभी आपने कहा 500 के करीब तो स्टार्टअप ऑलरेडी आ चुकी है बहुत सी स्टार्टअप और आना चाह रही है और मैं आपको आमंत्रण दूंगा जो एफ पी ओज़ हैं एफ पी सीज़ हैं जो समूह हैं वो अगर मिलके आप एक स्टार्टअप बनाकर एक अपने इसमें प्रक्रिया में आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए आपको भारत सरकार की बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च का एक नाम लिया ऐसी और भी आप चाहे और ज्यादा नूर नहीं जो आपके नजदीक की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनके संपर्क में रहिए और किसान केंद्र जो हैं जो किसान विज्ञान केंद्र हैं उनके साथ भी टच में रहिए कृषि जो मंत्रालय हैं स्टेट के भारत सरकार के उनके साथ भी टच में रहिए आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे उत्पाद अब आ चुके हैं कौन कौन से उत्पाद जो हैं आप खुद भी इनोवेट कर सकते हैं मैं बताऊं ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जो कि लोकल जो है कुजीन में चलते हैं लेकिन उसको हम अभी बाहर लेकर नहीं आए हैं और जब हम बाहर लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर उसकी डिमांड बढ़ेगी आप जब आएंगे तो आपको उसको चाहिए होगा कि हमें आ, उसके लिए कुछ पैसा चाहिए उसके लिए भी सरकार की सपोर्ट है आर चाहिए सरकार की सपोर्ट है पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है तो सरकार की सपोर्ट है कदम कदम पर मार्केटिंग करना है तो भी सरकार की जानते हैं कि सरकार का सपोर्ट पल्लवी जी आपने लिया क्योंकि स्टार्टअप तो आपने और पहले से शुरू कर दिया है और अब तो माहौल और भी बदल चुका है अब तो नए स्टार्टअप आ रहे हैं खैर उन्हें काफी मदद मिल रही है आपको किस तरह की मदद मिली है ये बताएं सबसे पहले तो आ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे बड़ा सपोर्ट जो हमें मिला है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब से उन्होंने मिलेट्स के बारे में बात शुरू की है तब से लोगों में इसका इंटरेस्ट इसके प्रति उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया है जब से ये बात शुरू हुई है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और उससे पहले नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स पर पिछले एक से डेढ़ साल में जिस तरीके से डिमांड में इंटरेस्ट और इंक्रीज आया है और स्पेशली पिछले छह महीने में तो ये और एक्सेलरेट हो गया है और बढ़ा है तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो मैं कहूँगी पहले वो है क्योंकि वहाँ से शुरू हुआ तो ये सब सिस्टम्स में और सब जगह जा रहा है दूसरा हम लोग जैसे आप बात कर रहे थे हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च की तो वहाँ पे हम लोग इनक्यूबेटेड हैं वहाँ से हमें बहुत सारा ट्रेनिंग का सपोर्ट पार्टिसिपेशन बहुत सारे इवेंट्स में बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ और मौके होते हैं अगर हम आई और न्यूट्री हब जो उनका इंक्यूबेटर है वहाँ से एसोसिएटेड रहें तो बहुत मौके और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हमें वहाँ से मिल रही हैं अपीडा बहुत

पर उसे देख सके तो ऐसे में क्या इस दिशा में किसी तरह के अनुसंधान चल रहे हैं या फिर इस पूरी मिल्ट्स के क्षेत्र में किस तरह के अनुसंधान की आवश्यकता अभी आप महसूस कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मली जब हम इनका प्रोसेसिंग करते हैं हुँ. तो सेल्फ लाइफ इनकी कम होती है जी. लेकिन आईआईएमआर और सीएफटीआरआई मैसूर उन्होंने ऐसी कई तकनीक करीब 40 से 50 टेक्नोलॉजी हैं जो प्रोसेसिंग के ऊपर हैं वो कॉमर्शलाइज्ड की हुई हैं उनसे हम इनका जो आटा है उसको न केवल दस बारह दिन करीब छः छः से सात महीने तक हम उनको स्टोर कर सकते हैं ऐसी इन्होंने तकनीक की हैं तो जिन किसान भाइयों को या एफ को उनसे लेना है पलवी जी ज़रूर मुख्य रूप से आई से उस जुड़ी हुई हैं तो उनको पता है की क्या टेक्नोलॉजीज हैं तो ए, इस दिशा में निश्चित रूप से रिसर्च हो रही है खाद्य प्रसंस्करण जो हमारे डिवीजन हैं उनके माध्यम से नित्य नई तकनीक आ रही हैं बिल्कुल तो इस दिशा में अनुसंधान भी लगातार तेजी से चल रहे हैं ताकि इसका लाभ भी समय समय पर मिलता रहे डॉक्टर दुबे चलते चलते आपसे जाना चाहेंगे कि किसानों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो इससे जुड़े उद्यम से जुड़ना चाहते हैं हाँ किसान भाइयों से हमारा ये निवेदन है कि चूँक इसमें लागत कम है और एडवर्स कंडीशन जैसे इन्वायरमेंट चेंज के पर उसमें नुकसान बहुत कम होता है और वर्षा पर आधारित होते हैं पानी कम होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो इसमें जो है जो आपके जो पैदावार का दाम मिलेगा चूंकि फर्टिलाइजर कम लगते हैं आप उसको लेकिन एक ब्रांडिंग देना जरूरी है आप एक कोई भी एक संस्था बनाएं जिससे आपका ब्रांड हो जाए चाहे आप एप पी ओ या कोऑपरेटिव बनाएं जिससे एक ब्रांडिंग हो जाए सब मिलके काम करेंगे और ज़्यादा उत्पादन करना सभी को एक दो किसान करेंगे तो उसका मूल्य नहीं मिलेगा अगर वो क्लस्टर वाइज जैसा बताया गया है आप ज़्यादा किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उगाएं एक ही फसल उगाएं जिससे आपको जो मार्केट है आपके खेत तक पहुंचे आपके दरवाजे तक पहुंचे और आपको अच्छा मूल दे सके या आप उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं जिससे आपको अच्छा मूल मिल सके बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर चलते चलते आपकी आखिरी टिप्पणी बहुत ही उम्मीदों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिलिट वर्ष मनाया जा रहा है और बहुत बृहद स्तर पर प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं क्या उम्मीदें हैं आपकी और क्या चलते चलते आप संदेश देना चाहेंगे आपकी आखिरी टिप्पणी मैं ये कहना चाहूंगा एक हम बहुत मैनेजमेंट में हम लोगों को सिखाया जाता है कि एक गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है तो मैं ये बता रहा हूँ कि सही समय है ये जी जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं चाहे वो किसानी है जो इसमें उगाने के लिए आगे जो एफ हैं और जो स्टार्टअप्स हैं या जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं मिलेट या मिलेट से जुड़ी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग में शायद इससे अच्छा समय नहीं होगा बहुत अच्छा समय है आइए जुड़िए और जो भारत सरकार के प्रयास हैं दुनिया के प्रयास हैं सभी के प्रयास हैं इसका लाभ उठाइए आप भी लाभ उठाएं और इसका लाभ सब तक पहुंचाएं जी बिल्कुल जैसे कि आज इस चर्चा में हमने बात की श्री अन्न की श्री यानी कि लक्ष्मी यानी कि समृद्धि तो हमें उम्मीद है कि जो श्री अन्न है अगर आप उसके उत्पादन से जुड़ना चाहते हैं या फिर उसके व्यवसाय से इस कड़ी में कहीं भी अगर आप होते हैं तो आपको जरूर समृद्धि मिलेगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं तो विस्तार से आज आपने श्री के बारे में जाना और बातचीत के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी बहुत बहुत धन्यवाद आप, आप सभी बहुत 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 आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को धन्यवाद जी तो हमें उम्मीद है कि किसान इन जानकारियों का लाभ जरूर उठाएंगे साथ ही आज के जो विषय है श्री अन्न भारतीय खेत से विदेशी बाजार तक इस विषय पर अगर आप अपने कुछ सुझाव में भेजना चाहते हैं अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है विचार विमर्श जीरो इसी के साथ विचार विमर्श की आज की कड़ी में बस इतना ही हमें दीजिए इजाजत आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर नमस्कार